हेलो, क्या आपने कभी कार्डबोर्ड हाउस में रहने का सोचा है? नहीं। अगर नहीं सोचा है तो आप सोच भी लीजिए और देख भी लीजिए। गाइस, आपने हमारे बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बिग बॉस बॉल की स्पेशल चैलेंज, गोलगप्पा चैलेंज, स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, ईटिंग केक चैलेंज, इमोजी वर्सेस रियल फूड चैलेंज। बट आज हम चैलेंज तो करने वाले हैं, पर वो बहुत ही कुछ अलग होगा। हम करने जा रहे हैं मिलेंगे कार्डबोर्ड हाउस फॉर 24 आवर्स चैलेंज। तो गाइस, ये होगी हमारी छोटी सी किचन जिसमें मैं अभी सामान अरेंज कर रही हूँ। तो गाइस, हम लगा रहे हैं यहाँ पे लाइट्स। तो गाइस, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे फ्लावर्स के गार्लैंड। तो गाइस, अब हमारा घर हो चुका है बनके रेडी, अब हम उसका टूर देते हैं। रुको 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 रुको, जरा सबर करो। टूर से पहले हम इनॉग्रेशन करेंगे, और इनॉग्रेशन के हमारे पास है अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ आज। चश्मे वाली बतासो ताई। हाँ, ये बुढ़ी हो गया ना, चश्मे लग गया। ये तो कर गए। अच्छा, जल्दी काट दे बतासो। बस लैपटॉप पे चढ़ेगा जाके। तो गाइस, ये है हमारे घर का दरवाजा जिसे हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया हुआ है फ्लावर्स के साथ, और ये है हमारे घर की दीवार जो है कार्डबोर्ड से बनी हुई है जिसके ऊपर हमने ये दिवाली की लाइट्स लगाई हुई हैं। तो एंटर करने से पहले हमने एंट्रेंस पे दो फ्लावर पॉट रखे हुए, थोड़ा लुक भी तो आना चाहिए ना अच्छा सा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। चलो, एंटर करने के बाद ये है हमारा मैट्रेस जिसके ऊपर हमने रेड कलर के बेडशीट बिछा रखा है। इसके साथ है मैचिंग के पिलो अर्चना। पिलो अर्चना गजब बेइज्जती है। ये रखा है हमने यहाँ पे बुद्धा, जो कि अच्छा लगे इसलिए रखा हुआ है, और यहाँ पे जो निब्बा निब्बी है, जो आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, और ये हमारा लैपटॉप है क्योंकि हम यहाँ पे बोर होंगे तो हम करेंगे नेटफ्लिक्स एंड चिल। अच्छा, चलो गाइस, हम आपको अपना जो ये घर है इसका मेन पॉइंट पे लेके चलते हैं जिससे हम यहाँ पे भूखे प्यास से नहीं रहेंगे। अच्छा, टोस्टर मेकर पानी गर्म करने के लिए, और ये है रोटी मेकर। अच्छा, ये है हमारा मेकअप पॉइंट एंड सैनिटाइजिंग पॉइंट जिससे हमारे ऊपर कोई वायरस ना आए। अच्छा, और ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा पपी। पपी जब बेइज्जती है, बच्चे वाले गुड्डे टंग आए हैं यहाँ पे। तो तुझे क्या, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि हम ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं, कि कोई ना कोई तो हुआ ना रीजन कि हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो कोई भी चला जाएगा और कोई भी घर के अंदर आ जाएगा, तो एक मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है इस चीज का, आप समझ ही गए होंगे गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। 5,000 रुपए, यानी कि जो यहाँ पर स्टे कर जाएगा उसे क्या मिलेगा, 5,000 रुपए। वो सिर्फ मुझे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे। एक कमी है जो आप सोच चुके होंगे, इसमें यहाँ पे कहीं भी टॉयलेट नहीं है। गाइस, अब हम कर रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट जो है आलू के पराठे, अचार और दही। और गाइस, हम साथ में यहाँ पे गाने भी सुन रहे हैं, तभी तो हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कॉपीराइट आ जाएगा। हमारी पावरी हो रही है, पावरी। तू भी नाच यूनिकॉर्न, तू भी नाच, नाच यूनिकॉर्न नाच, तुझे पैसा मिलेगा। तो गाइस, इस टाइम बहुत ज्यादा बोरिंग फील कर रही है, अभी अभी पराठे खाए, और आपको पता है ना पराठे खा के बहुत ज्यादा नींद आती है, तो इसलिए हम क्या खेलेंगे, चिड़िया उड़ तोता उड़ गाय भैंस सबको छोड़ जाए। हाँ चलो स्टार्ट करें, चिड़िया उड़ तोता उड़ मैना उड़ तोता उड़ मैना उड़ मैना उड़।
और ये है हमारे लंच की तैयारी, है ना चेतना? क्या बना रहे हम लंच में? सैंडविच पता नहीं करती चीज ऐसी कितनी मेहनत हो रही है यहाँ। तो लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो गाइस हमारे यहाँ पे भी एक कॉकरोच आ गया, लैपटॉप से मार दिए, देखो कितना डर रहा है। हमारे यहाँ पे कॉकरोच कुछ कॉकरोच डर गया। आप चला गया, अब नहीं है यहाँ पे, इधर उधर घूम रहे हो। मर गया वो। 12 seconds later. Few inches later. Oh wow! Yeah, my sandwich. कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं वही हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो है। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे सोने दो। अरे मुझे कह रहे हो कि कैसे सोई मैं। तुषार तुझे पी आ रही है? पी हाँ दा जा ना, डिस्क्वालीफाई हो जा, मैं 5,000 रुपए मिल जाएंगे। इतनी तेज नहीं आ रही, आराम आराम से मैं कंट्रोल कर सकता। आराम आराम से आ रही, मतलब पैंट में चल रही है क्या? क्या बताइए, किससे डर रहे हैं? तकिए के अंदर से निकली ये पे कॉकरोच था, फिर से कॉकरोच। और गाइस ये देखो बेचारे किस करते करते मर गए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस अब मैंने सोचा कि ना अंकुश और तुषार के साथ है ना कुछ मजाकिया किया जाए, तो मैं सोच रही थी क्यों ना वो मुझे बैली डांस करके दिखाए और जो जीतेगा मैं उसे दूंगी शगुन के 500 रूपए। 500 रूपए नहीं होते शगुन के, 500 या 1,100 रूपए होते हैं। नहीं मैं ले दूंगी 5, नहीं मेरे बजट में से 500 रूपए लेने हैं। लो नहीं तो फ्री में एंटरटेनमेंट करो हमारा। अंकुश का तो बैली की जगह बेल्ला इतना बड़ा। भाई जी मेरा भी बैली है, मैंने एक्सरसाइज से पतला कर दिया बैली। मस्त जोक मारा रे यार। कोई एक भी बंदा बता दे तुझे बैली आए तेरी। हाँ गाइस कमेंट करना, डोंट ऑफेंड अंकुश, अंकुश की बैली है, बैला नहीं है। चल रहा है बैली डांस, आप भी देखो गाइस क्या ये पागल हो चुके हैं, बैली डांस नहीं तांत्रिक डांस कर रहे हैं ये तो। यहीं पे खत्म होता है इनका डांस और रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे जिसका बैली डांस सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो है, नहीं शट अप मुझे बोलने दे, रिजल्ट मुझे देना, और वो है अंकुश, और वो है तुषार। देखिए गाइस इनकी खुशी समाई नहीं जा रही, और देखिए इसे तो पैसे की पड़ी है, ये लीजिए। तो गाइस तुषार को मिलते हैं शकुल के 500 रूपए। तो गाइस मुझे शाम की रोटी बनानी पड़ रही है क्योंकि वो दोनों तो आलसी एक नंबर के, दोनों बस अभी तक के ड्रामा ही देख रहे हैं सारा दिन। मैंने दोपहर का लंच बनाया था, मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे, कुछ मम्मी ने पराठे दिए थे, मैंने बोतल में पानी पी था। ऐसे तो मैंने भी बहुत कुछ किया था। क्या किया तुमने? सफर पर मैं लाया था, देखो तुम्हें ला क्या वैसे जान नहीं है। हां हां डायरेक्ट में करना, प्रोड्यूस में करना, एक्टिंग में करना, तो सारा कुछ डंडा ये सब कुछ मैंने किया था, ये फाइनल रिजल्ट मेरा। हाय झूठी कुछ भी झूठ बोल दिया।
झूठ बोलने की सीमा होती है कोई। डैडी मैंने किया था सब कुछ, कुछ भी बनी है, मैं वो ही इस पे डाल दूंगा इस रोटी मेकर पे। आर्टिफिशियल बना रहा है। होगा Six and a half hours later. मुझे लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे भी। 2000 years later. तो गाइस शायद फाइनली हमारी रोटी बन चुकी है क्योंकि इसमें रेड लाइट बंद हो चुकी है। तो ये कुछ जल तो गई और कच्ची भी है। कच्ची तो नहीं है पर ये जल गई। कच्ची है ये। ये कैसे खाएंगे हम? अंकुश हमारे रात के डिनर का क्या होगा? खाना घर वालों से फोन करके मंगवाना पड़ेगा। हम तो नहीं जा सकते, उन्हीं को कहेंगे अब हमारे लिए कुछ खाना भेजे अच्छा सा। चलो बाद में मिलते गाइस। One hour later. तूने हमारा चैलेंज खराब कर दिया। कौन सा चैलेंज खराब कर दिया? तुमने मेरी नेक वॉच गिरा दी थी। महंगी कितनी? 20 रुपए की साड़ी है। 20 की? कितने की है? चैलेंज करके 5000 में नेल पॉलिश ले ली थी अपने। ये आंटी वाले तो फिर मिल जाएगा तुझे। तुमने एक बार और आंटियों वाला था तुम्हारा सारा घर खा लिया। भाई आंटियों वाला तो गाइस हमारा सारा घर यहाँ पर ही तहस नहस कर दिया इस लड़की ने। और अब बस रिया मेरा नेल पॉलिश गिराई जिसने मेरा नेल पॉलिश खराब किया। और ये बस एक रात और काटनी थी। आंटी जैसी तुमने किस उससे कहा? मैं ही आंटी जैसी। और अभी भी खराब हो गया। Few inches later. तो गाइस अब जो आप इस लड़की के मुंह पे स्माइल देख सकते हैं ना, वो जब भी आ रहे हैं जब हम इसे कहा आप तक एक नई नेल पेंट लाके देंगे, बल्कि चार चार और लाके देंगे जब जाके इतनी खुश हो रही है। वो भी मेरे फेवरेट कलर की। हां यार प्योर जैसे कलर। अभी से नियॉन कलर चाहिए। तो गाइस अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया तो इस चैलेंज को यहाँ पर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर देना। और अगर आपको इसी तरह के 24 आवर्स वाले और भी चैलेंजेस चाहिए तो कमेंट करना गाइस कमेंट सेक्शन में। हाँ तो दे बस।